मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मुझे दे, ये मुझे दे, ये मुझे दे, मुझे दे। यार बड़ी, ये बैग तो तूने मुझे बर्थडे में गिफ्ट किया था, तो अब क्यों ले रही है? बर्थडे पे दिया था ना ये गिफ्ट, अब मैं तुझसे वापस भी ले रही हूँ। तुझे पता नहीं क्या, हम फ्लाइट में जा रहे हैं और सबको दिखना चाहिए कि मेरे पास कितना अच्छा बैग है। यार बड़ी, इसमें तो मेरे कपड़े भी है। अच्छा कपड़े भी है, तो एक काम करते हैं, जब हम फ्लाइट में जाएंगे ना तो मैं प्लेन की खिड़की से बाहर फेंक दूंगी, फिर तू कौवा बन के उड़ के ले लियो। मुझे नहीं पता, मुझे मेरे कपड़े चाहिए मम्मा। आए हाय, क्या हल्ला मचा रखा है तुम दोनों ने, क्यों चिल्ला रही हो? इसने मेरा बैग ले लिया। अरे यार क्यों कर रहे हो ऐसे बिहेव, कम से कम ढंग से तो रहो, अपनी माँ की तो इज्जत कर लो, किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि हम पहली बार आए इस प्लेन में। मम्मी पहली बार आप आ रही हो फ्लाइट में, हमारा तो यहाँ पे रोज का आना जाना है। रोज का आना जाना, यकीन नहीं हो रहा तो पापा से पूछ लो। और भाई क्या बातें हो रही है गोपियों के बीच मेरी, क्या बोल रहे हैं दोनों बच्चे कि इनका रोज का प्लेन में आना जाना है? मेरे को तो तुम बस और ट्रेन के धक्के खिलवाते हो और ये रोज प्लेन में जा रहे हैं। अरे भगवान, वो तुम्हें ना डॉक्टर ने मना किया था प्लेन में बैठने से, तुम्हारे वजन से प्लेन इधर उधर हो जाता। अच्छा मेरे वजन की वजह से प्लेन इधर उधर हो जाएगा? तुमने अपना वजन देखा है? दो बच्चों के नहीं पूरे 10.5 बच्चों के बाप लगते हो तुम। पापा की बेइज्जती हो गई। गुड आफ्टरनून पैसेंजर्स, दिस इज अ प्री बोर्डिंग अनाउंसमेंट फॉर फ्लाइट 89। प्लेन निकल जाएगा, हम यहीं रह जाएंगे, चलो जल्दी। बैठने दूंगी, ये विंडो सीट मेरी थी और मेरी ही रहेगी। यार प्लीज, तू मेरी बड़ी बहन नहीं है। बड़ी बहन होंगी मैं तेरी घर पे, यहाँ पे नहीं आई बड़ी। यार तुझे मेरे मासूम से चेहरे पे तरस नहीं आ रहा? ठीक है ठीक है ठीक है, तेरा ड्रामा करती है। एक काम करते हैं, स्टोन पेपर सीजर करते हैं, जो जीत गया वो विंडो सीट पे बैठेगा और जो नहीं वो मुंह ताकेगा। ठीक है फिर, स्टोन पेपर सीजर। ये विंडो सीट में मैं बैठूंगी, मैं जीत गई। ये विंडो सीट में बैठेगी सपने में। अबे ओए, ये तो चीटिंग हुई तेरी तो। क्या है, क्यों चिल्ला रही हो तुम दोनों? जब देखो जहाँ देखो मेरी बेइज्जती कराती रहती हो। मेरी सीट कहाँ है? अरे यही तो है मेरी सीट, मैं तो आराम से यहाँ बैठूंगी। अरे भगवान ये क्या, तुमने मेरी सीट अपने पास नहीं अपने पीछे करवाई है। अरे तो क्या हो गया, जो भी है जैसा भी है जहाँ भी है जाके बैठ जाओ ना। लेकिन भगवान ऐसे कैसे है? अरे अंकल जी साइड हट जाइए ना, मेरी सीट है, देखो मेरी टिकट हुई है, मुझे बैठने दो। अरे भैया एक काम करते ना, आप मेरी सीट पे पीछे बैठ जाइए, ये मेरी बीबी है, मैं यहाँ बैठे रहता हूँ। भाई ऐसे कैसे बैठन तू, मेरी टिकट है। हाँ नहीं तो, और वैसे भी इतना सुनहरा मौका कैसे छोड़ दू इतनी सुंदर कन्या के साथ बैठने का। अरे देखो ना भगवान, अरे एक दो घंटे की तो बात है ना, जाके बैठ जाओ, रह लो मेरे बिना, बैठ जाओ ना पीछे, पूरे प्लेन के लोग तुम्हें देख रहे हैं, बैठो पीछे जाके। लगता है आज सुबह सही कामवाली की शक्ल देख ली, आज का सारा दिन कन्याओं के साथ ही बीत रहा है, मजा आ गया। यस सर, ओके सर। भप्पी लहरी बनी हुई है क्या? आता भी है क्या, कर रही है? मैं निबो को फ्रेंड, मैं बताती हूँ कि डांस कैसे करते हैं। देखो
भगवान, ये लड़की क्या कर रही है, कहीं पे भी शुरू हो जाती है। अपने स्कूल का डांस यहाँ करने की क्या जरूरत थी, पूरे प्लेन में मेरी बेइज्जती करा रखी है, मेरी इज्जत की तो धज्जियां उड़वा रखी है इसने। नालायक, इसको तो मैं बताती हूँ। अभी बताती हूँ उसको मैं, इसको तो मैं लेकर आती हूँ। ये क्या कर रही है दीदी, पूरे प्लेन में मेरी बेइज्जती करा के रखी हुई है तूने, चल यहाँ से। मम्मी मैं तो डांस करना सिखा रही थी। क्या मम्मी, मम्मी तेरी मम्मी की तो जाए, चल यहाँ से। ओप्स, मैं भी जा रहा है अपने प्लेन चलाने, वो ना मैं प्लेन को ऑटो पायलट पे रखता था। चलो। हाँ, आई थी मुझसे पंगे लेने, कर दूंगी तंगे। ये पायलट को बस नहीं, ये ट्रेन, ये प्लेन चलाना नहीं आता क्या, ये हमको मारेगा क्या, मेरे तो उल्टी आ रही है। सुनो, अगर मैं आपके ऊपर उल्टी कर दूँ ना तो आप बुरा मत मानना, वो क्या है ना, पहली बार प्लेन में बैठी हूँ तो ऐसा अक्सर होता रहता है मेरे साथ। अरे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपकी उल्टी भी तो आपकी तरह क्यूट क्यूट होगी, कर दो कर दो। थैंक यू भैया। भैया क्या कर दिया। मजा आ गया। ऑल बैक मेरी कपड़ा में ऑल बैक, मना किया था, हो गई ना पैंट गीली, छछुंगर की शक्ल का। धन्यवाद। यार मम्मी, ये लोग तो बहुत कमाते होंगे, सिर्फ धन्यवाद कहते हैं और उतने पैसे छापते होंगे, है ना, इनकी किस्मत तो कितनी बढ़िया है, मैं भी एयर होस्टेस बनूंगी। नहीं बेटा, इन लोगों को ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पता है इनकी लाइफ बहुत आसान नहीं होती, तेरे को पता है जो खाना हमको यहाँ मिलता है ना, उस खाने के गंदे बर्तन भी इन लोगों को धोने पड़ते हैं, और पता है पूरे प्लेन की साफ सफाई, झाड़ू पोछा, पूरा प्लेन इनको अपने हाथों से रगड़ रगड़ के घिस घिस कर साफ करना पड़ता है, और तो और जब हम लोगों को उल्टी आती है ना तो ये लोग अपने हाथ आगे कर देते हैं ताकि हम उसमें उल्टी कर सके। क्या? अच्छा। हाँ जी, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? जरा आप अपने हाथ आगे लाना। छी, ये क्या किया? अरे मम्मी ने तो कहा था कि आप लोग यही काम करते हैं, हम लोगों की उल्टी साफ करते हैं, इसलिए मैंने आपके हाथ में कर दी। जैसे शैतान बच्चे वैसे ही शैतान माँ बाप। पायलट, पायलट, क्या हुआ, क्या हुआ? इन शैतान बच्चों ने मेरे हाथ में उल्टी कर दी। अरे कोई बात नहीं, मैं चाटके आपके लिए साफ कर दूंगा। क्या? मेरा मतलब ये कि आप आ जाओ केबिन में, मैं साबुन से रगड़ के साफ कर दूंगा। चलो आ जाओ केबिन में, चलते हैं। ठीक है। हमने क्या किया? यार बड़ी, हमने गलत कर दिया, हमको उनके पास जाके माफी मांग लेनी चाहिए। हाँ यार छोटी, सही कह रही है, मुझे भी सही नहीं लग रहा, चल जाके माफी मांगते हैं, वो कैबिन में ही होंगी, चल 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 छोटी, चल बड़ी। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, काम करते हैं छोटी, यहाँ पे हम प्लेन चलाते हैं। चल चल चल, ये कितना अच्छा है। यार बड़ी, ये वाला बटन कौन सा है? पता नहीं, अलग अलग बटन है, यहाँ पे अलग अलग कैंडीज भी निकल सकती है, और मुझे तो लगता है इससे ना खाना जम होता है, देखते हैं।
कहा था ना तू डर मत, खाना हजम हो रहा है इससे सबका। अच्छा खाना हजम हो रहा है क्या? हे भगवान, जब से तुम यहाँ पे आके बैठे हो ना, तुम्हारे इस वजन की वजह से ये इतना बड़ा प्लेन इधर से उधर हो रहा है, अब तो हम मर जाएंगे। मेरी वजह से नहीं ओला, ये पीछे वाला अभी बाथरूम में टट्टी करके आया है, वो अटक गई है जिसके चक्कर में डिसबैलेंस हो रहा है। अरे भाई करिए तो करिए, इस भी जगह है। अकर बकर बम्बे वो, ये बच्चे कहाँ है? इनकी तो तेरी सांसों की उजड़े हैं खेत रे, उजड़े हैं खेत रे, उजड़े हैं खेत रे, जैसे मुट्ठी से फिसले हैं रेत रे, फिसले हैं रेत रे, फिसले हैं। तेरी सांसों की उजड़े हैं खेत रे, जैसे मुट्ठी से। अबे आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? दिख नहीं रहा क्या, हम प्लेन चला रहे हैं। अबे खाना हजम नहीं हो रहा है, प्लेन क्रैश हो रहा है। हाँ जल्दी निकलो। अरे चल चल गुलिस्तान अल्लाह मेहरबान, तो दिल गुले तो दिल गुले तो दिल गुले गुल अल्लाह मेहरबान। ये सब गड़बड़ मेरी वजह से हुई है, मुझे इधर ठीक करना पड़ेगा, प्लेन क्रैश नहीं हो सकता, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना। हे भगवान क्या करूं। अरे अरे ध्यान से सुनो सब, वो देखो एग्जिट गेट खुल गया अपने आप। चलो चलो बारी बारी से नीचे कूद जाते हैं, फिर हम बच जाएंगे। चलो 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 चलो। देखो भाई मैंने कहा था कि एक ही रास्ता है यहाँ से नीचे जाने का, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, जिसे अपनी जान बचानी है वो ऐसे जाओ, पर पहले जाएगा कौन? अरे बेटा मैंने तुझे बताया था ना कि इन लोगों की लाइफ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है, ये हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा देंगे, तो यही जाएंगे सबसे पहले। परवल क्या, जाओ भाई तुम लोग जाओ जाओ जाओ। हे भगवान, हाय राम, हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? मेरे को तो तुम में पहले से ही शक था कि तुम्हें लड़कों में इंटरेस्ट है ना कि लड़कियों में, और आज तो मैंने तुम्हें इन अपनी कजरारी आंखों से देख भी लिया। हे भगवान क्या बोल रही हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, आज मुझे समझ आया कि तुम ऑफिस से इतना लेट लेट घर क्यों आते थे और तुम्हारे अंदर से लड़कों की गंद क्यों आती थी। मैं ऑफिस से लेट इसलिए आता क्योंकि लड़कों की पिटाई करता था और इसलिए गंद आती थी। क्या बोले जा रही हो? मेरी तो किस्मत ही फूट गई है जो मैंने तुझ जैसे इंसान से शादी की। जा रही हूँ मैं मायके, अकेले ही रहती हूँ यहाँ पे। हाँ नहीं तो। हे भगवान सुनो। अरे बेबी तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। अगर जरा तुम हट जाते, क्योंकि मेरे हदिया चटक रही है जमीन पे, तुम्हारे हटने के बाद मेरे हदिया नहीं चटक देगा। सॉरी सॉरी सॉरी। हो देखना इनकी बेटियां कितनी चंट हैं, हम लोगों को नीचे भेजे और खुद ही ऊपर खड़ी हैं ताकि पहले हम मर जाएं और ये बच जाएं। अब इनको क्या कहूँ, बेटियां भी तो मेरी है ना। अरे वो दोनों मनहूस नीचे आ जाओ, वरना प्लेन क्रैश हो ना तो दोनों ऊपर के ऊपर ही है, तय बोल जाओगी, नीचे आओ जल्दी। वो तो मैंने ट्राई कर रही थी कि मैं जिंदा बचूंगी या नहीं, क्या पता यहाँ पे भी रहो तब भी मर जाओ और नीचे भी जाओ तब भी मर जाओ। अब तो देखा है तुम लोग जिंदा हो तो मैं भी आई जाती हूँ। चल छोटी चल बड़ी। हे
है गैंडी उठना। ताता, ताता। अरे आप लोग ठीक हो ना? सब जिंदा है ना? कोई मरा तो नहीं ना? अरे अरे यहाँ से फटाफट भागते हैं, नहीं तो गोवा की जगह ना भगवान के ऊपर पहुंच जाएंगे। गलती से प्लेन हमारे ऊपर क्रैश हो जाएगा। चल चल जल्दी भागो, चल छोटी। हे गाइस, तो कैसे आप सब, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और मेरा चैनल अदिति शर्मा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल बिल्कुल मत भूलना। और देखो दिस इज माय किंगडम, मैंने प्लेन खरीद लिया, मजाक करी, शूट के लिए था बस। तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। जल्दी मिलती हूँ एक प्यारी सी लवली सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू, जय बजरंगबली।